आगरा के जगनेर मार्ग पर स्थित एक जंगल में ऑटो चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव गले पर कटा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के खैरागढ़ शुक्रवार की सुबह आगरा जगनेर मार्ग स्थित गढ़ी ताल मार्ग के समीप जंगल में एक युवक का शव मिला। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार, थाना प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी, मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गई। युवक की जेब से शहीद खां पुत्र हबीब खान निवासी ईदगाह कटगर आगरा के नाम से आधार कार्ड मिला है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। बाजी साहेब कौन लगता है आपने? मारा छोटा भाई था भाई। क्या घटना हुई, कैसे हुई घटना? ये टेम्पू चलाता था और ये कोई सवारी वारी छोड़ने या किसी कारण आया और उस पर मर्डर हो गया। इनके बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, दंदौली में रहता था। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ बीवी से या रिश्तेदार से किसी? नहीं, ये तो खैर भी नहीं कोई मालूम होगा इसकी बीवी को या घर वालों को जी। जा रहता वहीं से पता लगेगी। ये तो किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहता था ये। कितने सालों से दे रहे थे? करीब हो गए 4-5 साल हो गए। शादी को कितने दिन हो गए इनको? शादी को भी इतना ही टाइम हो गया होगा। 4-5 साल? हाँ, इतना ही टाइम हो गया। 5-6 साल में समथिंग हो गया। 1-8 साल बाद ही किराए पे आ गया वो। किसी से रंजित हो पुरानी? नहीं सर, हमारी तो नहीं है। और वहाँ पे किसी से रंजित बन गई हो इसकी तो उसने कभी बताया नहीं हमें। आपको सूचना कैसे मिली आपने भाई? हमारे एक टेम्पू वाले हैं इनके, थाने से तो थाने से सूचना मिली। उन्होंने फोटो दिखाया व्हाट्सएप पर कि तुम्हारा भाई है क्या, कौन है? हमने पहचाना, मैंने कि हाँ आईडी भी देख ली थी हमने, तो मैंने कि हाँ जो तो छोटा वाला भाई है हमारा।